आगरा। कोरोना वायरस से बचाव में हिंदू कल्याण महासभा उत्तरा मैदान में किया मास्कों का वितरण। आज भगवान टाके चौराहे पर हिंदू कल्याण महासभा के प्रदेश अध्यक्ष मनोज अग्रवाल के नेतृत्व में इंडियन टाइगर रेसलर करण गोस्वामी, युवा हिंदू कल्याण महासभा के सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने भगवान टाके चौराहे पर भारत व संसार में फैल रही महामारी कोरोना वायरस के बचाव हेतु मास्क वितरण किए। सैकड़ों भाई बहन बुजुर्गों को इस दौरान मास्क वितरण कर इस महामारी से अवगत करवाया गया। इससे बचाव हेतु सजग रहने के भी संदेश दिए गए। मनोज अग्रवाल ने कहा कि संसार में महामारी भयंकर विकराल रूप ले चुकी है, इससे बचें और बचाएं, मास्क पहनकर ही बाहर निकलें। करण गोस्वामी ने कहा कि इस महामारी से अपने परिवार, बस्ती, कॉलोनी, शहर, देश को सजग रहकर बचाएं। हिंदू कल्याण महासभा पूरे पदाधिकारियों हजारों सैकड़ों कार्यकर्ता हर चौराहे पे जाकर जो कार्यक्रम रखा है, आज हमारा महानगर, देश, राष्ट्र जो कि एक विकराल स्थिति, कोरोना वायरस जो पूरे संसार में फैला हुआ है, उसकी हाहाकार मचा हुआ है, कहीं मास्क नहीं मिल रहा है। हम लोगों ने इस मास्क वितरण कार्यक्रम का आयोजन किया है। हमारे जो चौराहे पे भाई बहन बुजुर्ग जो ऐसे ही बिना मास्क से जा रहे हैं, उन्हें मास्क पहनाकर उन्हें हम अवगत करा रहे हैं कि कोरोना वायरस से कैसे बचा जा सकता है, क्योंकि जब तक हम मास्क नहीं लगाएंगे किसी का भी कीटाणु किसी के अंदर जा सकता है। इस ये कीटाणु इतना खतरनाक है कि ये जानलेवा बीमारी है। इससे बचने के लिए, हमारे राष्ट्र को बचाने के लिए, अपने परिवार को बचाने के लिए, स्कूल के बच्चों को बचाने के लिए मास्क को पहनना जरूरी है। और इसमें कई संदेश है, पानी पीना जरूरी है और कई दवाइयाँ लेनी जरूरी है। इन सबको अवगत कराने के लिए आज हिंदू कल्याण महासभा के सैकड़ों कार्यकर्ता पूरे चौराहे पर खड़े होकर ये संदेश दे रहे हैं। महिलाओं को किस प्रकार की जागरूक करेंगे कोरोना वायरस को लेकर? सर, मैं महिलाओं को इस तरह से जागरूक करूंगी क्योंकि वह घर का मैनेजर भी होती हैं एक तरह से। हाथ धोएं अच्छी तरह से, खाना बनाने से पहले हाथ धोएं, और बच्चों को अपने सिखाएं कि हाथों को स्टेरिलाइज करें, एक दूसरों से हाथ ना मिलाएं, एक मीटर की दूरी से बात करें, जो आप कपड़े पहनकर बाहर निकलती हैं उन्हें तुरंत आकर उनको घर में उनको वॉश करें। इस तरह की बहुत सारे प्रिकॉशन से पानी पीते रहें जिससे कि गला ना सूखे, क्योंकि ये वायरस हवा में एमिनेट होता है। अगर आप किसी के भी संपर्क में आए और ये आपके अंदर गया तो आप तुरंत बीमार पड़ सकते हैं।